नमस्ते प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका एक टाइमलेस लव रीडिंग में। प्रिय दर्शकों, ये एक कलेक्टिव टैरो रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस। रीडिंग में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पेज को फॉलो कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। पॉजिटिव फ्लो और एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज़ के लिए शेयर करना मत भूलिएगा। प्रिय दर्शकों, आपके सामने दो पाइल्स है, ओके, पाइल वन और पाइल टू। ये दो पाइल्स आप गौर से देखिए, थोड़ी देर के लिए इन पे मेडिटेट कीजिए। ऑलराइट, ये फर्स्ट पाइल है, ये है कार्डिनल मून या चेंजिंग मून, आप देख रहे हैं, ओके। और ये है जुपिटर क्रिस्टल, ओके। ये है फुल मून, ऑलराइट, और ये है वीनस क्रिस्टल। ये दो पाइल्स, पाइल वन पाइल टू, इनको गौर से देखिए और आप मेडिटेशन कीजिए। दोनों में से कोई भी एक पाइल जिसके साथ आप कनेक्ट कर पा रहे हैं वो पाइल आप चूज़ कर लीजिए। आई होप सो आपने चूज़ कर लिया होगा प्रिय दर्शकों। ऑलराइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं पाइल वन की रीडिंग के लिए, ओके। ऑलराइट, पाइल वन आपके लिए रीडिंग अभी आने वाली है। Alright, dear Divine Tarot Deck, dear Almighty, those who have chosen pile 1, please tell them, please guide them. Divine Tarot Deck आपको ये बोलेंगे कि आपके जो special person हैं, चाहे वो आपके crush हैं या partner, उनकी current feelings, current thoughts आपके लिए क्या हैं, उनका next action क्या होने वाला है, तो चलिए देख लेते हैं उनके current energies। All right, current intentions, next action. Dear Tarot, please guide pile 1. Tell them about the current thoughts and feelings, next action of their special person. Amen. Okay. ऑल राइट, प्रिय दर्शकों, हमें कार्ड्स मिल चुके हैं पाइल वन के लिए। ऑल राइट, देखते हैं आपका जो रिलेशनशिप है प्रिय दर्शकों, शुरुआत में डेफिनेटली इन द पास्ट या जब आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था इस पर्सन के साथ, तो कुछ प्रॉब्लम्स थे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ये ऐसा कुछ सिचुएशन था। लेकिन धीरे धीरे रिलेशनशिप इम्प्रूव होता चला गया और बहुत एक अच्छे स्तर पे रिलेशनशिप डेफिनेटली जा रहा था। और इनफैक्ट इन द प्रेजेंट भी अगर थोड़ी बहुत भी आप दोनों में इस रिश्ते को लेकर कुछ भी प्रॉब्लम्स है, लेकिन एक बहुत अच्छा फेज़ आप दोनों का रहा है इस रिश्ते में, ये मुझे ये कार्ड्स बोल रहे हैं। देखिए, ये पॉजिटिव कार्ड है, तो आप दोनों एक दूसरे के साथ इंट्यूटिवली कनेक्ट कर पा रहे थे, बहुत ही इमोशनली अटैच्ड भी फील कर रहे थे कुछ समय पहले भी। और एक्चुअली ये जो है, ये कार्ड है, ये प्रेजेंट सिचुएशन, आपके पर्सन का जो प्रेजेंट सिचुएशन है, ये कार्ड वो दिखाता है। तो आपके जो पर्सन है वो एक्चुअली आपसे इमोशनली कनेक्ट करना चाहते हैं, और ये कार्ड एक्चुअली हायरोफेंट कार्ड शादी को भी दर्शाता है। तो वो एक्चुअली एक कमिटेड रिलेशनशिप के बारे में भी सोच रहे हैं, ये उनकी प्रेजेंट सिचुएशन है। ऑलराइट, ओके, अब चलते हैं प्रिय दर्शकों नेक्स्ट कार्ड की ओर। तो आपके जो पर्सन है उनके मन ही मन क्या चल रहा है, उनके अंतर मन में या सबकॉन्शियस माइंड में वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपना डिज़ायर, आपके साथ एक नया जीवन, एक नए जीवन की कल्पना वो कर रहे हैं। वो आपके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहते हैं, एक फ्यूचर चाहते हैं आपके साथ। तो ये पॉजिटिव है। अब देखते हैं आपके जो पर्सन है वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। आपके जो पर्सन है प्रिय दर्शकों, वो आपसे ये बोलना चाह रहे हैं कि उनके मन में एक अजीब सा रेस्टलेसनेस है, एक अजीब सी छटपटाहट, आपसे मिलने की एक इच्छा,
जिसे वो सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, वो उस इच्छा को नज़रअंदाज नहीं कर पा रहे हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं। तो यही वो आपसे अभी कहना चाहते हैं। किसी भी बात को लेकर शायद वो परेशान है, ऐसा भी मुझे लग रहा है। शायद फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। वो ये सोच रहे होंगे कि एक कमिटेड रिलेशनशिप में किस तरह आपके साथ वो रह सके। तो मे बी अपने करियर को लेके या आप दोनों के रिश्ते के फ्यूचर को लेके भी वो काफ़ी चिंतित हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। अब देखते हैं अगला कार्ड। तो उनके आसपास का जो माहौल है, उनके आसपास के जो लोग हैं, उनका जो इमीडिएट सोशल सर्कल है, वहाँ पे ज़रूर कुछ ऐसे लोग होंगे जो उन्हें इस रिश्ते को लेकर ज़्यादा इनकरेज नहीं करते होंगे, जो उन्हें डिस्करेज करते होंगे, जो उन्हें ये बोलते होंगे कि इस रिश्ते में शायद उन्हें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, आपके जो पर्सन है उनको जज मत कीजिएगा। उनको जज करने से पहले एक बार ये याद रखिएगा कि उनके लाइफ में कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, ऐसे कुछ लोग हैं उनकी फैमिली में शायद, जो उन्हें इनकरेज नहीं कर रहे हैं, और जो इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि बाधा सृष्टि करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलराइट, तो इसीलिए मुझे लग रहा है कि उनका जो नेक्स्ट एक्शन है आपके रिश्ते को लेकर, इस रिलेशनशिप में जो अगला कदम वो उठाना चाहते हैं, वो अगला कदम उठाने में उन्हें ऑब्स्टिकल्स, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। देखिए, इमोशनली आपसे कनेक्ट कर पाने में भी उन्हें तकलीफ हो सकती है। वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं प्रिय दर्शकों, कि आप उनके सिचुएशन को, उनकी जो भी परिस्थितियां हैं, उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। वो यही आपको बोलना चाह रहे हैं। शायद वो और कुछ समय चाहते हैं ताकि कुछ समय बाद जब सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएगी, जब उनका करियर शायद और भी स्टेबल हो जाएगा, या फिर अगर वो कुछ चाहते हैं कि आप उनका एक अपना घर हो सके शादी से पहले, तो शायद उनके कुछ ड्रीम्स हैं जो वो फुलफ़िल करना चाहते हैं शादी से पहले, अपने करियर में एक मुकाम पे पहुंचना चाहते हैं, तो शायद वो आपसे थोड़ा समय चाहते हैं। वैसे तो वो आपसे भावनात्मक स्तर पे, इमोशनली वो आपसे कनेक्टेड हैं, लेकिन उसे थोड़ा वक्त की ज़रूरत है, ये मुझे लग रहा है। तो चलिए अब चलते हैं डिवाइन ओरेकल डेक की ओर। आपके लिए क्या डिवाइन मैसेज है देख लेते हैं। डिवाइन ओरेकल डेक, व्हाट इज़ द मैसेज फॉर पाइल वन इन लव। ऑलराइट, आपका डिवाइन ओरेकल मैसेज आ गया है। ये है आपका डिवाइन मैसेज। वाव, आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आया है ओरेकल डेक की ओर से। लक इज़ ऑन योर साइड, किस्मत आपकी तरफ है। आप अगर ऐसा लग रहा है कि सिचुएशंस अभी आपके रिश्ते को ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो पेशेंस रखिए। भाग्य का चक्र बदलने में वक्त नहीं लगता। अपने आप पे भरोसा कीजिए, और हो सके तो गरीबों को कुछ दान दीजिए, ज़रूरतमंद लोगों की कुछ ना कुछ मदद कीजिए, तो ज़रूर आपका प्यार आपके पास चला आएगा और आपको अपनी ज़िंदगी में, लव लाइफ में खुशियाँ मिलेंगी। भाग्य भी आपका साथ देगा। तो प्रिय दर्शकों, उम्मीद है पाइल वन को इस रीडिंग से ज़रूर कोई ना कोई मदद मिली होगी। अब चलते हैं पाइल टू की ओर। प्रिय दर्शकों, आपको याद होगा ये है पाइल टू। तो देख लेते हैं पाइल टू के लिए क्या कार्ड्स हैं। ऑलराइट, ओके, अब पाइल टू के लिए डिवाइन टैरो डेक। जिन लोगों ने पाइल टू चूज़ किया था उनकी मदद कीजिए। उन्हें ये बोलिए कि उन्हें अपने लव रिलेशनशिप में क्या करना चाहिए। उनके जो पर्सन है, उनकी करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स क्या है, और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। पाइल टू, ये रीडिंग, अपकमिंग रीडिंग आपके लिए है। ओके, पाइल टू। ऑलराइट, ये पाइल टू है। तो अभी जो रीडिंग मैं करने वाली हूँ वो पाइल टू के लिए होगी।
Dear Divine Tarot, please guide pile 2. Tell them about current feelings, thoughts, next action of their special person. Amen. Okay. Wow. Pile 2. Pile 2 के इस स्प्रेड से मुझे पॉजिटिव वाइब्स मिल रहे हैं. ऑलराइट ऑलराइट. एक सेकेंड प्रिय दर्शकों. ऑलराइट, पाइल 2 के लिए रीडिंग देख लेते हैं. तो ये जो है पहला कार्ड, एक दूसरे के साथ आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग पहले अच्छी नहीं थी, शुरुआत में या फिर कुछ समय पहले ज़्यादा अच्छी नहीं थी, ऐसा मुझे लग रहा है. पाइल 2 के लिए सेकंड कार्ड, आपके जो पर्सन है वो उनकी एक उनका जो प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि शायद उनके करियर में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं है, वो करियर में और ज़्यादा स्टेबल होना चाहते हैं ताकि आपके साथ वो एक खुशहाल ज़िंदगी जी सके, वो आपको हर वो खुशी दे सके, खुशी जिसके आप हकदार हैं. तो उनको और ज़्यादा करियर में मेहनत करना है और आपके रिश्ते में भी वो चाहते हैं कि ये जो रिलेशनशिप में आप दोनों हैं उसमें और ज़्यादा स्टेबिलिटी आ जाए, ये वो चाहते हैं. थोड़ा डिले हो रहा है अब उनके सबकॉन्शियस माइंड में, जो वो आपके बारे में सोचते हैं वो बहुत ही पॉजिटिव है. प्रिय दर्शकों, वो आपको लेकर एक सपना देख रहे हैं, वो ऐसा सोच रहे हैं कि आपके साथ जो ये रिश्ता है ये एक ब्लेसिंग है उनके लिए परमात्मा की तरफ से. आपका रिश्ता एक नई अपॉर्चुनिटी है उनके लिए, एक नया मौका, एक गोल्डन अवसर है अपने जीवन को संवारने के लिए, आप दोनों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए. तो वो ये सोचते हैं कि ज़रूर अगर आप दोनों एक रिश्ते में रह सके तो आप दोनों ज़रूर खुश रह सकेंगे, ऐसा वो अपने अंतर्मन, उनके सबकॉन्शियस में ऐसे थॉट्स चलते होंगे. आपका जो ऑरा है वो ज़रूर उनको अपनी तरफ खींचता होगा. हाँ, कभी ना कभी उनमें थोड़ी बहुत साहस की कमी, कॉन्फिडेंस की कमी हो सकती है. तो ऐसा है, तो वैसे उनके मन में आपके लिए बहुत डिज़ायर्स और पैशन है, एक चाह है आपसे जुड़ने की, उनके मन में रोमांटिक फीलिंग्स है. कभी कभी वो उन्हें एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, शायद हेजिटेट करते होंगे, शर्माते होंगे या फिर पूरी तरह कॉन्फिडेंट नहीं होंगे. मे बी वो करियर में और कुछ अचीव करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि फाइनेंशियली वो और ज़्यादा स्टेबल हो जाए, फिर वो शायद आपके साथ एक कमिटेड रिलेशनशिप की ओर आगे बढ़ेंगे. प्रिय दर्शकों, अब देखते हैं आपके पर्सन एग्जैक्टली आपसे क्या कहना चाहते हैं. आपके पर्सन आपको ये बोलना चाह रहे हैं कि जो भी आप दोनों में प्रॉब्लम्स है, कॉन्फ्लिक्ट है, उसे ख़त्म करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए. हर रिश्ते में प्रॉब्लम्स होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन वो हमें एक दूसरे के साथ डिस्कस करके वो जो हमारी डिफरेंसेस हैं, जो भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या प्रॉब्लम्स हैं, मतभेद की जो स्थिति है उससे हमें बाहर निकलना होगा ताकि हम एक पॉजिटिव फ्यूचर की ओर आगे बढ़ सके. तो वो भी यही चाहते हैं कि जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं आप दोनों के बीच या जो भी क्लैश हुआ है उसे भुलाकर एक नए सिरे से एक पॉजिटिविटी के साथ इस रिश्ते की शुरुआत करनी चाहिए, यही वो आपको एक्चुअली कहना चाहते हैं. प्रिय दर्शकों, अब देखते हैं नेक्स्ट कार्ड. वाओ, ये जो कार्ड है प्रिय दर्शकों, ये मुझे ये कार्ड ये बोल रहा है कि पेज ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स आया है. तो उनके मन में ये इच्छा है कि वो आपको लेकर एक नई शुरुआत कर सके, एक पॉजिटिव बदलाव, पॉजिटिव चेंज ला सके अपने जीवन में, आपके जीवन में. ये उनके मन की ये ख्वाहिश है, लेकिन थोड़ा डिले हो सकता है. ये कार्ड रिवर्स आया तो थोड़ा बहुत डिले, थोड़ी और हिम्मत उन्हें जुटानी होगी, उन्हें अपना कॉन्फिडेंस लेवल और थोड़ा बढ़ाना होगा. तो ज़रूर वो ये कदम भी उठाना वो ज़रूर चाहते हैं. ऑलराइट, थोड़ा उन्हें वक्त दीजिए, क्योंकि प्रिय दर्शकों देखिए, ये फ्यूचर का कार्ड बहुत पॉजिटिव आया है. ये स्वॉर्ड्स का कार्ड जब रिवर्स आता है ये एक पॉजिटिव संकेत होता है. इसका मतलब ये है कि आपके जो पर्सन है उनके मन में जो भी दुविधा, जो भी कन्फ्यूजन थी आपके रिश्ते को लेकर, वो अब ख़त्म हो रही है धीरे धीरे. वो
साफ साफ ये समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि शायद आप ही वो साथी हैं जिनकी उन्हें तलाश थी, और वो दुविधा से बाहर निकल के, हर डाउट से बाहर निकल के आपकी ओर आगे बढ़ने वाले हैं। तो उनका नेक्स्ट एक्शन, अगला कदम पॉजिटिव होने वाला है। उनके करंट थॉट्स और फीलिंग्स भी पॉजिटिव हैं। वो चाहते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स है, डिफरेंसेस है, जो भी मतभेद की स्थिति है, उससे आप दोनों बाहर आ जाए, डिस्कस करें, ताकि आप दोनों में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर हो जाए, अगर कुछ है तो। और फ्यूचर को लेकर आप दोनों एक दूसरे के साथ सीरियस हो जाए और इस रिश्ते में आगे बढ़ सके। अगर आप ये जानना चाहेंगे तो हाँ, उनके इमोशंस, उनके थॉट्स, फीलिंग्स आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव हैं। वो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, इस रिश्ते में आपके साथ रहना चाहते हैं। लाइफ में भी वो हर कन्फ्यूजन, दुविधा, डाउट से बाहर निकल कर वो आपको अपनाना चाहते हैं, और ये ज़रूर वो कोशिश करेंगे। उनका अगला कदम भी इस रिश्ते के लिए काफ़ी पॉजिटिव होगा। अब देखते हैं डिवाइन ओरेकल डेक आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। डिवाइन ओरेकल डेक पाइल टू के लिए क्या डिवाइन मैसेज है, प्लीज़ उन्हें गाइड कीजिए। वाओ, आपके लिए मैसेज आ चुका है। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन, सब कुछ पहले से लिखा हुआ नहीं रहता। प्रिय दर्शकों, हमारे भविष्य में जो कुछ भी होने वाला है, घटने वाला है, सब कुछ तय नहीं होता है। हाँ, एक डेफिनेटली एक पैटर्न होता है जो लगभग हमें डेस्टिनी है, तो वो कुछ ना कुछ तो वो फलित होगा, लेकिन सब कुछ नहीं। हमारे कर्मों के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, हमारी इच्छा शक्ति के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। तो यही मैसेज है। अगर आप सच में अपनी इंट्यूशन को इस्तेमाल कीजिए, अगर आपको लगता है कि आप इस पर्सन के साथ जुड़ सकते हैं और आप उनके जो फीलिंग्स हैं, उनके जो इमोशंस हैं, अगर आप इन्हें समझ पाते हैं, तो डेफिनेटली आपको अपनी इंट्यूशन, अपना सिक्स सेंस यूज़ करना चाहिए प्रिय दर्शकों। और एक पॉजिटिव फ्यूचर की ओर, एक सुनहरे भविष्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए। तो उम्मीद है पाइल टू को अपनी गाइडेंस मिली होगी। पाइल वन की रीडिंग भी मैंने की थी थोड़ी देर पहले। तो पाइल वन, पाइल टू, ये दोनों पाइल्स को मैं ऑल द बेस्ट बोलना चाहती हूँ। आपको जीवन में हर खुशी मिले, बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि ज़रूरतमंद लोगों की जितनी हो सके मदद कीजिएगा, तो परमात्मा आपकी मदद करेंगे। आप जो भी खुशी चाहते हैं जीवन में, वो आपको ज़रूर मिलेगी, उन्नति भी ज़रूर मिलेगी। मिलते हैं अगली बार एक और रीडिंग के साथ। प्रिय दर्शकों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते।